सिंह ने कहा कि जल्द ही तकरीबन 15,500 पुलिस स्टेशन केंद्रीकृत व्यवस्था से जुड़ जाएंगे, जिसका लाभ निश्चित तौर पर आंतरिक सुरक्षा को मिलेगा। राजस्थान में चल रही नेतृत्व परिवर्तन की टीम को सिंह ने महज अफवाह करार दिया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से खास बातचीत की हमारे संवाददाता लक्ष्मण राघव ने। हमारे साथ हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह जी। जितेंद्र सिंह जी, आपने राष्ट्रीय राजनीति में बहुत जल्द बहुत अच्छी पहचान बनाई है, साथ ही गांधी परिवार के भी बहुत नजदीक हैं आप। आखिर क्या है इस तेजी की यूएसपी? ये तो जो जिनने मुझे मौका दिया है उनसे ही पूछना चाहिए, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आप निष्ठा के साथ, लगन के साथ काम करते हैं तो काम कभी ना कभी दिखता है। देरी से हो सकता है, जल्दी हो सकता है, ये परिस्थितियों के ऊपर है, लेकिन आप निष्ठा से साथ और लगन के साथ काम करते हैं तो जरूर आपको मौका मिलता है। सिंह साहब, एक चीज देखने में, राष्ट्रीय राजनीति में यूथ आइकन दिखाई दे रहे हैं, चाहे जतिन प्रसाद हो, सचिन पायलट हो आपके साथी हो, चाहे राहुल गांधी आपके नेता हो, ये प्रयोग अब कांग्रेस को नहीं लगता कि राज्यों में भी करना चाहिए? समाजवादी पार्टी ने किया, अखिलेश ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, तो ये एक चर्चा अब आम से उछ रही कि युवाओं को मौका कांग्रेस राज्यों में भी दे। क्या आप AICC के से जुड़े रहे, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मौका बिल्कुल मिलना चाहिए युवाओं को, लेकिन उन युवाओं को ट्रेनिंग भी करनी चाहिए, उनको पहले दूसरे भी मौके मिलने चाहिए और बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी से पहले उनको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर मिलनी भी चाहिए, जैसे वो कम से कम ट्रेन हो सकें। और ये ऐसा ही मौका मुझे लगता है कि हर स्टेट के अंदर दिया है। राजस्थान के अंदर भी कई हमारे ऐसे मंत्री हैं जिनकी उम्र बहुत कम है। हमारे आज जिला अध्यक्ष, अभी मैं नागौर से आया हूँ, मंजू मेघवाल जी बहुत कम उम्र के हैं। ऐसे काफ़ी मंत्री हैं जिन कम उम्र के हैं, बहुत सारे MLAs हैं जो बहुत कम उम्र के हैं, 25 साल के इलेक्ट हो के आए हैं। मुझे भी मौका मिला था जब मैं 25 साल का था, पहली बार विधानसभा में मुझे आने का मौका मिला। लगातार पूरे देश में दौरा कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान में जब आपकी यात्राएं होती हैं तो कई तरह की चर्चाएं साथ में होती हैं, बात नेतृत्व परिवर्तन को लेकर भी बहुत की जा रही है, क्या कुछ इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? लगता है कि मुझे, मैं तो एक तरह से कुछ भ्रांतियां फैलाने की कोशिश लोग करते रहते हैं, लेकिन मुझे सबसे अच्छा लगता है कि राजस्थान के अंदर जाने का एक मौका मिलता है, और खास तौर से जो बॉर्डर के इलाके हैं वो एक इलाका बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, गृह मंत्रालय के लिए, और हमारी BSF की जो फौज है उन कठिन परिस्थितियों के अंदर 50 और 55 डिग्री टेम्परेचर के अंदर हमारी बॉर्डरों की रक्षा कर रही है। तो मेरा एक दायित्व तो बनता है कि मैं वहाँ जाऊँ और उनको मोटिवेट करूँ। तो पिछले हफ्ते भी मुझे जैसलमेर और किशनगढ़ और उसके साथ साथ और बहुत सारे जो बॉर्डर आउटपोस्टर्स में जाने का मौका मिला, और वहाँ के जो हमारे जवान हैं उनसे बात करने का मौका मिला, और उनके लिए हम बहुत सारी ऐसी नई योजनाएँ लेके आ रहे हैं, भारत सरकार हम लेके आ रहे हैं, जैसे उनकी परिस्थितियाँ, जो काम करने की उनकी कंडीशन है वो हम इम्प्रूवमेंट कर सकें, मेडिकल की फैसिलिटी उनको हम दे सकें, और सिर्फ उनके लिए नहीं लेकिन उनके परिवार के लिए भी हम कुछ ना कुछ कर सकें। सिंह साहब, एक सबसे बड़ी समस्या आपने भी अपने भाषण में भी कही, सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि सेंट्रल इंटेलिजेंस और स्टेट इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं उनके बीच कहीं ना कहीं तारतम्य वैसा नहीं होता, और सबसे बड़ा कारण यही आता है, कभी सेंटर से बयान आता है कि स्टेट एजेंसी का फेलियर रहा, कभी स्टेट एजेंसी ये कह देती है जहां विपक्षी गवर्नमेंट है कि सेंटर ने हमें सतर्क नहीं किया। तो आपको नहीं लगता आपके पास इस विभाग का जिम्मा है कि ऐसी कोई इस तरह का कोई समन्वयक एजेंसी बननी चाहिए जो दोनों में समन्वय बेहतर हो सके? मैं यही इस मौके पर ये कहना चाहूंगा कि कुछ दिन पूर्व माननीय प्रधानमंत्री जी अध्यक्षता में जो चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर, आंतरिक सुरक्षा के ऊपर, उसमें यही सबसे बड़ा एक मुद्दा था जिसमें हम सबों ने निवेदन किया था चीफ मिनिस्टर्स को कि उनका पास जो इंटेलिजेंस का मैकेनिज्म है, उनके पास जो यंत्र है, वो एक तरह से हर गांव-गांव ढाणी-ढाणी में गए हुए हैं। आज रेवेन्यू के पास पंचायत सेक्रेटरी और पटवारी हर गांव में ढाणी के अंदर वो जाता है, इंटेलिजेंस ला सकता है। स्टेट पुलिस के पास थाने और उनके कॉन्स्टेबल्स, बीट कॉन्स्टेबल्स हर गाँव के अंदर उनके संपर्क रहते हैं, वो वहाँ से इकट्ठी कर सकते हैं। हमने इंटेलिजेंस को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट्स पैसा मांग रही है वो हमने पैसा दिया है। इसी तरह लगभग
हमने 20 करोड़ रुपए अभी स्टेट गवर्नमेंट को दिए हैं, जिसके लिए अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसके अंदर उनको मजबूती मिल सके। खासतौर से हमारा जो कार्यक्रम है CCTNS क्राइम एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क सिस्टम, जिसमें सारे थाने सभी पुलिस थानों को एक साथ जोड़ा जाएगा, उसके लिए भी फेज टू का हम डिस्प्लेसमेंट हमने कर दिया है। तो स्टेट्स को ही समझना पड़ेगा और स्टेट्स को ही ये सबसे पहले कदम लेना पड़ेगा कि हम अपनी इंटेलिजेंस मजबूत करें और मजबूती के साथ सेंट्रल एजेंसीज को भी वो हम इंटेलिजेंस दें, जैसे वो एक एक्सपर्ट ग्रुप उसको मॉनिटरिंग करके और वापस दे सकता है। तो एकीकृत थाना प्रणाली कब तक व्यवहार में लागू हो जाएगी? मुझे उम्मीद है कि अगले 2 साल के अंदर अंदर ये पूरे देश के अंदर लगभग 15,500 पुलिस स्टेशन के अंदर चालू हो जाएगा। आखिरी सवाल, आप चूंकि अभी संगठन की समीक्षा बैठक में शिरकत करने जा रहे हैं, सत्ता और संगठन के बीच अक्सर टकराव की खबरें राजस्थान में तो आम हो चली हैं, आप अभी खुले सत्र में भाग लेंगे, क्या मुद्दे हैं आपको नजर आ रहे हैं और क्या होना चाहिए ताकि कांग्रेस की वापसी हो? मुझे लगता है कि आज जरूरत यह है कि सरकार ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं, बहुत सी अच्छी योजनाएं लेकर आई है सामने, बहुत सारी नई स्कीम्स लेकर आई हैं, बहुत सारी रेवोल्यूशनरी स्कीम्स हैं, वो मुझे कहीं ना कहीं लगता है तो जमीन तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो हम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनको गाँव-गाँव बधानी-धानी जाकर इन स्कीमों के बारे में लोगों को जानकारी देनी चाहिए, इसकी इम्प्लीमेंटेशन की मॉनिटरिंग करनी चाहिए। खासतौर से मैं ये मानता हूँ, एक MP के भी नाते, अलवर से सांसद होने के भी नाते मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने भी वहाँ इस तरह की टीम्स बनाई हैं जिसके अंदर विधायक हैं, एक्स विधायक हैं, हमारे जो विधायक हैं वहाँ के, और वो पूरी एक टीम उसके साथ साथ संगठन के साथ मिलकर, ब्लॉक अध्यक्षों के साथ मिलकर, जिला कांग्रेस कमेटी के साथ मिलकर हर बूथ पर जाए, सिर्फ पंचायत नहीं लेकिन हर बूथ के ऊपर वो जाए, वहाँ मीटिंग ले, वहाँ की बात बताए कि क्या क्या सरकार कर रही है और सरकार की जो योजनाएं हुई हैं वो लोगों तक पहुंची है नहीं पहुंची है उसकी भी रिपोर्ट लेके आए। तो ये एक कार्यक्रम बूथ वाइज चल रहा है पूरे प्रदेश के अंदर, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि ये इस कार्यक्रम से सरकार की योजनाएं और ज्यादा अच्छी तरह तक पहुंच पाएंगी। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, जिनका कहना था देश का आंतरिक सुरक्षा तंत्र मजबूत किया जाएगा, इंटेलिजेंस पर और ध्यान दिया जाएगा और साथ ही उन्होंने कहा कि यदि संगठन के लोग मजबूती से फील्ड में काम करें तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की वापसी होगी। कैमरा पर्सन धीरज जोशी के साथ लक्ष्मण राघव, ETV न्यूज़, बीकानेर।